चैनल हम लोग देख रहे थे क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक इसके बैक वीडियो में देख चुके हैं। अब आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। 5 एंड 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं। हलवा हलवा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारे न्यू अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉरी फिगर तो बनाए नहीं, फिगर क्या है, फिगर बनाने फिगर कुछ इस तरह से है। आर है, पी है, क्यू है, यहाँ एस है, यहाँ टी है और ये इक्वल है। तो ये फिगर है और क्वेश्चन में कह रहा है कि एस एंड टी, एस और टी जो है पॉइंट्स है, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है कोई पी क्यू आर, और उसमें बोल रहा है कि एस और टी कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है पी आर साइड में और एक क्यू आर साइड में, एस और टी दो पॉइंट है। तो हम इस तरह से है और वो दोनों पॉइंट कुछ इस तरह से है कि एंगल पी जो है, ये एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल, ये जो एंगल पी है ये इक्वल है एंगल आर टी एस के, इस एंगल के इक्वल है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, यही हम लोग को क्या करना है इसमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करें। तो हम लोग पहले कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं तो जानते हैं कि हम लोग पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ लिखते हैं, तब प्रूफ करते हैं, और कंस्ट्रक्शन का जरूरत होता है तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का इसमें कोई भी जरूरत नहीं है तो हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आइए गिवन लिखते हैं। तो गिवन हम लोगों को क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है क्या एस और टी पॉइंट्स है ट्रायंगल साइड पी आर, पी आर और क्यू आर के साइड में, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, और क्या गिवन है एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, एंड एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो यही हम लोग को गिवन है और हम लोग गिवन क्या क्या लिखते हैं, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में देखें, टू प्रूफ में क्या हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है, ट्रायंगल आर पी क्यू को सिमिलर करना है किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। तो हम क्वेश्चन को रेस करें, क्वेश्चन तो आप लोग की बुक में है ही और गिवन भी फेस करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा या फिर आप लोग क्वेश्चन से देख के भी खुद से गिवन को लिख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन और गिवन फेस करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ बहुत ही आसान है। तो किस किस ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर करना है, पहले उसका नेम लिख लेते हैं। तो नेम ही यहाँ से जो गिवन जो हम लोग को टू प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। तो ट्रायंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, सबसे पहले तो हम लोग को देखिए एक चीज गिवन है, क्या गिवन था कि ये जो एंगल पी है वो इक्वल है एंगल आर टी एस के। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, क्या था हम लोग को गिवन, आप लोग देखिएगा गिवन में हम लोगों ने लिखा भी और फिर क्वेश्चन में भी दिया है कि एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल। अब देखिए इसमें सिमिलर करना है तो हम लोग को कोई भी अगर दो एंगल मिल जाए तो ये सिमिलर हो सकता है,
साइड मिल जाए तो भी सिमिलर हो सकता है, तो इसमें साइड मिलना तो उतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो एक एंगल इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं जो हम लोग को पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो क्या पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए तो ये आर आ रहा है, ये आर आ रहा है, ये वाला एंगल, और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखें तो हम लोग का ये आर एंगल आ रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू क्या, एंगल एस आर टी या फिर टी आर एस, नहीं एस आर टी ही लिखते हैं, या फिर आप लोग खाली इतना भी लिख सकते हैं, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, हम लोग नेमिंग कर दिए। तो ये कैसे हुआ, तो ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो अब देखिए अगर हम लोग का दो एंगल, ये भी क्या है एंगल एंगल, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हुआ, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, आर टी एस के, किस बाय किस क्राइटेरियन से, सिमिलरिटी के किस क्राइटेरियन से हुआ, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी। तो नीचे तो हम लोग को लास्ट में क्या लिखना होता है, खाली हेंस प्रूव्ड, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो आ गया, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये सब स्टेप ना आप लोग एग्जाम में लिखना कभी मत भूलिएगा, गिवन टू प्रूव हेंस प्रूव, इन सब पे ना मार्क्स होता है, एक मार्किंग होता है गिवन पे, 1 मार्क्स होता है टू प्रूव लिखने पे, और लास्ट में हेंस प्रूव लिखने पे भी आपको 1 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग इसको लिखना भूलिएगा नहीं कभी भी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 नंबर की तरह हलवा है, तो हलवा खाने में मजा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, देखिए ट्रायंगल ए बी ई कहाँ है, तो ये है ट्रायंगल हमारा ए बी ई, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी ई, ये और ट्रायंगल ए सी डी, तो ट्रायंगल ए सी डी कहाँ ढूंढिए, ये है ट्रायंगल ए सी डी। बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस फिगर में जो है ये ए बी ई ट्रायंगल जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, तो ए सी डी ट्रायंगल के ना कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर बोल रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग को शो क्या करना है, ये छोटकू ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए डी ई, ये सिमिलर होगा बड़े वाले ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा, ये हम लोगों को करना है प्रूफ। तो हम लोग जानते हैं कोई भी स्टेटमेंट प्रूफ करने से पहले हम लोग लिखते हैं गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है तो कंस्ट्रक्शन, नहीं तो नहीं, उसके बाद प्रूफ करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गिवन, तो गिवन क्या क्या है, तो पहले गिवन लिखते हैं, तो गिवन है बस एक ही चीज तो हम लोग को दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी की क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो ये हम लोग को गिवन है। अब टू प्रूफ, तो टू प्रूफ हम लोग को प्रूफ जो चीज करना है वो हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ में, जो हम लोग को प्रूफ करना होता है वो हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ में। तो हम लोग यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना, हम लोग को ट्रायंगल ए डी ई छुटकू ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल से कर देना है सिमिलर। तो ये हो गया गिवन टू प्रूफ। अब चलिए इसका देखते हैं हम लोग प्रूफ, सबसे बड़ा प्रूफ प्रूफ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को गिवन जो है इससे हम लोग कुछ मतलब क्या, हाँ मतलब कुछ तरीका निकालते हैं जिससे कि हम लोग इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते। तो दिया हुआ हम लोग को क्या कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, हम सिमिलरिटी का साइन दे रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए डी, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा। कैसे, तो देखिए पहला मतलब इसका लेते हैं पहला और तीसरा, इसका भी लेंगे पहला और तीसरा, तो
तो क्या हो जाएगा, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ए डी, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम इस पे कम होने की वजह से ऊपर के क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, गिवन को इरेज कर रहे हैं, टू प्रूफ को रहने देते हैं, नहीं उसको इरेज कर रहे हैं, कम स्पेस होने की वजह से इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा आपकी असुविधा के लिए हमने खेल। हाँ तो हम लोग क्या लिखे, ए ई और ए डी। देखिए हम लोग को जरूरत है ए डी और ए ई का, क्यों? क्योंकि अगर सिमिलरिटी में हम लोग देखे तो इसको हम लोग रेशियो का इक्वल कर देंगे ना, तो ये सिमिलर हो जाएगा, इसलिए हम लोग ए डी और ए ई लिए। हम लोग को जरूरत है इस ट्रायंगल का दोनों साइड्स आना चाहिए किसी भी तरह से, और इस दोनों ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए किसी भी तरह से, इसलिए हम लोग जिस चीज का जरूरत है उस चीज को हम लोग, जो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट गिवन है उससे हम लोग लेंगे और उससे हम लोग अपना काम निकालेंगे। तो हम लोग को ए ई और ए डी इक्वल था, और क्या करना है, हाँ तो ये बी डी, देखिए देखिए यहाँ पे हम लोग का बी सॉरी बी ई ए बी और ए सी, हाँ सॉरी ए बी और ए सी इक्वल होगा। ए बी ये पूरा वाला लाइन और ये पूरा लाइन, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल का दोनों साइड इक्वल कर दिए, और ए बी और ए सी को भी इक्वल कर देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इन दोनों को हम इक्वल कैसे किए, पहला और दूसरा लिए तो दूसरे ट्रायंगल का भी पहला और दूसरा लेंगे, इसमें हम पहला और तीसरा लिए थे तो दूसरे ट्रायंगल का भी पहला और तीसरा लिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम लोग कहां से आया, तो ये हम लोग को गिवन था कि ट्रायंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, और अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके साथ उसका जो साइड होता है इक्वल होता है। क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा है कैसे इक्वल होता है, तो सीपीसीटी से। सीपीसीटी का मतलब क्या हुआ, क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का जो क्रॉस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अब हम लोग देखिए, अब हम लोग का अगर ए डी के इक्वल आ गया, ए बी ए सी के इक्वल आ गया, तो क्या हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं ए ई बाय ए बी, नहीं क्या बोल रहे हैं, ए डी बाय ए बी होगा, इसमें थोड़ा कुछ गलती हुआ है शायद, ए बी और ए सी, हाँ ये साइड तो हम लोग लिखे ना सही लिखे, लेकिन लेफ्ट और राइट में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। ए बी बाय ए डी आएगा हम लोग का, ए बी बाय ए डी एक जगह रहेगा और ए सी बाय ए ई एक जगह रहेगा। तो हम लोग इसका साइड थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ए डी इक्वल कर देते हैं ए ई के, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल हुआ। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, ए डी बाय ए बी, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय ए, लिख सकते हैं ना, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड इसमें एक चीज, अच्छा इसको लिख लेते हैं, ए बी बाय ए डी इक्वल किसके लिख सकते हैं, ए सी बाय ए ई के। अब देखिए हम लोग का क्या है, इसका रेशियो होता है ए बी बाय ए डी, साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल का क्या हो रहा है, एक दूसरे के इक्वल हो रहा है, तो हम लोग इसको सिमिलरिटी से आराम से प्रूफ करते हैं। तो हम इसको इरेज करें, इरेज कर देते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग को कौन कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर करना है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, तो ट्रायंगल ए डी ई क्या प्रूफ करेंगे हम लोग को, ए डी ई, हाँ ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए सी ई, ए बी सी में देखिए हम लोग का क्या आया, ये जो हम लोग का आया ये इक्वल हुआ, ये क्या है, इसी दोनों ट्रायंगल का तो पार्ट है ए डी और ए बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बाय ए डी इक्वल है किसके, ए सी बाय ए ई के। तो कहां से आया, तो प्रूफ एवर, ऊपर हम लोगों ने
प्रूफ किया ये कैसे आया। ऊपर हम लोगों ने प्रूफ किया, प्रूव्ड एवर्ब, ये एवर्ब है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, प्रूव्ड एवर्ब। तो ऊपर हम लोगों ने प्रूफ किया और ऊपर का हम इरेज करते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ऊपर का इरेज करते हैं और बस दो लाइन लिखना है, उसके बाद हो जाएगा हम लोग का ये प्रूफ। ये हो गया। अब देखिए, अब एक चीज तो हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया हम लोग को? दो साइड का रेशियो क्या मिल गया? एक दूसरे के इक्वल मिल गया। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ सकता है इस ट्रायंगल में, और कुछ इक्वल तो आएगा नहीं। तो एक चीज हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? तो वो है ए एंगल। तो कैसे? तो देखिए, ये ट्रायंगल है छोटा वाला एडीई और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इस दोनों में एक कॉमन आ रहा है ये एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल है किसके? एंगल बी ए सी के। या फिर आप लोग लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डायरेक्टली। तो ये क्या है? कॉमन है। तो देखिए, ये हम लोग का कैसे सिमिलर हो गया ट्रायंगल? तो साइड एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? एक दूसरे के सिमिलर हो गया। तो दे आर फोर ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। किस प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी का किस क्राइटेरियन से हुआ, किस प्रॉपर्टी से हुआ? तो एस ए एस, साइड एंगल साइड से। और लास्ट में हम लोग को क्या लिखना है? हेंस प्रूव, ये लिखना याद रखे आप लोग, ये हम लोग को करना था प्रूव, जो एस ए एस सिमिलैरिटी से हो गया प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत ही आसान था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आपने पूरा वीडियो देख लिया, लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहे।